डियर फ्रेंड, हम सभी आज पढ़ने वाले हैं एसीटी का पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट। और पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट में क्या क्या पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए और अंत तक वीडियो देखें और अपने फ्रेंड को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें कि ताकि इसके जितने भी अपडेटेड वीडियो आ रहे हैं वो आप तक पहुँचे। तो आ जाते हैं, पॉइंट है पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट। पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट मतलब जब हम पियर बनाते हैं कोई, या तो कोई अंदर पाइलिंग करते हैं तो उसको उसके अंदर के जो मटेरियल उसको ड्राइव करने के लिए ऐसे टाइप के इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। आप फिगर देख के और इसके थियोरी को देखते जाओगे तो आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसमें फिगर भी कंसिडर किया है। तो कुछ पॉइंट आगे पॉइंट देख लेते हैं कि पाइल इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर ड्रिवन इनटू द ग्राउंड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सरफेस लोड, सरफेस लोड को ट्रांसफर कर सकें। दे आर इफेक्टिव एट व एन इकोनॉमिकल कॉस्ट, ये इकोनॉमिकल कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट करते हैं। इक्विपमेंट नीडेड, कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं? तो पाइल ड्रिवन रिग्स होता है, जिसमें पाइल ड्रिवन रिग्स की अगर मैं बात करूँ तो स्कीड माउंटेड होता है, क्रेन माउंटेड होता है, फ्लोटिंग रिग्स होते हैं। आगे गाइडेड लीडर होता है, पाइल ड्राइविंग हैमर होता है, एडिशनल एड फॉर रीबोरिंग जीटिंग होता है, बॉयलर फॉर स्टीम रेजिंग और एयर कंप्रेसर होता है। तो इस तरीके के हैं, वन बाय वन हम देख लेते हैं। वन बाय वन इसलिए देख रहे हैं कि ताकि हम उन चीज़ों को समझ पाएँ पाइल ड्राइविंग रिग्स क्या है। तो इसमें पॉइंट को मैं अगर मैं बताऊँ तो ये पॉइंट में क्या बता रहे हैं कि पाइल ड्राइविंग रिग्स प्रोवाइड बेसिक ऑपरेशन ऑफ लिफ्टिंग द पाइल, होल्डिंग द पाइल इन पोजिशन, हैमरिंग इट इन टू द ग्राउंड और ऑफ पुलिंग इट आउट द ग्राउंड एंड गाइडिंग द पाइल इन द डिजायर डायरेक्शन ऑफ मोमेंट। इसके लिए पाइल ड्राइविंग रिग्स का यूज किया जाता है। इट सपोर्ट द बूम्स, द विंच मैकेनिज्म, ड्राइविंग हैमर, द गाइडिंग लीडर्स एंड अ प्लेटफॉर्म फॉर माउंटिंग द ऑक्सिलरी इक्विपमेंट सच एज जेट पंप्स, ड्रिलिंग अगर्स एक्सेट्रा। स्कीड माउंटेड, यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, स्कीड माउंटेड रिगर्स इस तरीके का है, स्कीड माउंटेड रिग्स लेकिन आप देख सकते हैं, क्रेन माउंटेड रिग्स यहाँ पे देख सकते हैं फिगर, क्रेन माउंटेड रिग्स का यहाँ पे फिगर देख सकते हैं कि इस तरह से क्रेन माउंटेड रिग्स हैं, फ्लोटिंग रिग्स देख सकते हैं कि फ्लोटेड रिग्स इस तरह से होते हैं। फिर बाद में गाइडिंग लीडर्स देख सकते हैं, गाइडिंग लीडर्स क्या है, द लीडर्स गाइड द पाइल एंड हैमर ड्यूरिंग ऑपरेशन विच एक्सटेंड टू द इंटायर हाइट ऑफ द रिग्स। इनके सब पाइल ड्राइविंग बिलो द रिग्स इन टू द एक्सवेशन और ट्रेंचेस एक्सटेंसिवली लीडर्स आर यूज। जो अगर मैं बात करूँ कि अगर आप लोगों ने अगर बोरिंग करते हुए देखा होगा, बोरिंग करते हुए ठीक है, बोरवेल अगर आप सेटअप करते हुए देखा होगा तो आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ आइडिया मिलेगा, क्योंकि पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट के थ्रू ही होता है बोरिंग। इट एनेबल हैमर टू डिलीवर लो एक्सेली टू पाइल, जैसे गाइडिंग लीडर के फिगर देख सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ हैमर होते हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स है, ड्रॉप हैमर, ड्रॉप हैमर में क्या होता है, नो एक्सटर्नल सोर्स नीडेड, मैकेनिज्म टू लिफ्ट द हैमर बाय केबल, ड्रॉप इट बाय ग्रेविटी ओनली, सॉलिड मास ऑफ मेटल और कास्ट आयरन, वेट 1 to 4 टन होता है, हाइट ऑफ फॉल 1.5 से 6 मीटर तक होता है, नंबर ब्लो 4 to 8 per minute, 1 मिनट में 4 से 8 बार ब्लो करना है। इट इज़ स्लो प्रोसेस बट एफिशिएंट, नॉट इन यूज नाउ, अभी ये जो है वो यूज में नहीं है। सिंगल एक्टिंग हैमर की अगर मैं बात करूँ तो द हैमर इज लिफ्टेड स्टीम और कंप्रेस एयर के द्वारा हैमर वर्क करता है, ड्रॉप इट बाय ग्रेविटी ओनली और वेट 2 टन्स होते हैं, हाइट ऑफ फॉल 1 मीटर और नंबर ऑफ ब्लो 60 per minute, 1 मिनट में 60 बार ब्लो करना होता है। डबल एक्टिंग हैमर की अगर बात करें द हैमर इज लिफ्टेड लोअर बाय स्टीम और कंप्रेस एयर, वेट जो होता है मतलब उस जो हैमर को लिफ्ट करने के लिए ये स्टीम का या कंप्रेस एयर का यूज किया जाता है, फिर उसके बाद से रिलीज कर दो बाई ग्रेविटी, वेट 500 kg होता है, इफेक्ट विल बी लाइक 3 टन्स, नंबर ऑफ ब्लो 100 to 200 per minute, मतलब 1 मिनट में 100 to 200 times ब्लो करने होते हैं। डिफरेंशियल एक्टिंग हैमर की बात करें तो द हैमर इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डबल एक्टिंग हैमर, वेट 2 टन्स होता है, हाइट ऑफ फॉल 1 मीटर होता है, नंबर ऑफ ब्लो 100 to 200 per minute होता है, सेम पाइल कैन बी ड्रिवन विथ इन हाफ टाइम सेविंग और 30% ऑफ स्टीम होता है। डीजल हैमर की अगर बात करें तो द हैमर इम्पार्ट्स कंप्रेशन इम्पैक्ट एंड एक्सप्लोजन एनर्जी टू द पाइल।
वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो रेज द पिस्टन्स टू स्टार्ट इंजेक्शन ऑफ डीजल फ्यूल एंड कंप्रेशन इंपैक्ट एंड एक्सप्लोजन। डीजल हैमर में क्या होता है, एग्जॉस्ट पोर्ट्स एक्सपोज्ड एंड डीजल एस्केप ड्रॉज फ्रेश एयर थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट्स। फिर वाइब्रेटरी हैमर की बात कर ले तो वेरी इफेक्टिव इन ड्राइविंग पाइल्स थ्रू नॉन कोहेसिव ग्रेनुलर सॉइल। पाइल इज ड्रिवन बाय मेकिंग वाइब्रेशन। द वाइब्रेशन कैन बी प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिकली हाइड्रोलिकली। पेनिट्रेशन रेट्स कैन बी अप्रोचेस अप टू 20 मीटर पर मिनट इन मॉडरेटली डेंस ग्रेनुलर सॉइल। इट कैन बी यूज विद द अनदर मेथड ऑल्सो। फिर उसके बाद से नेक्स्ट अब देखने वाले हॉलिंग इक्विपमेंट, और हॉलिंग इक्विपमेंट में कौन कौन से टाइप के आते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस के लिए। हॉलिंग मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मटेरियल को मूव करने के लिए हॉलिंग इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है। इक्विपमेंट्स यूज फॉर दिस प्रोसेस इज हॉलिंग इक्विपमेंट बोला जाता है। टाइप्स डंप ड्रग्स और डंपर्स के लिए यूज़ किया जाता है। डंप ड्रग्स में अगर देख सकते हैं कि टाइप साइड डंप ड्रग और बॉटम डंप ड्रग्स इस तरीके का होता है। साइड डंप ड्रग में होता है कि डंपिंग इज थ्रू द साइड ऑफ द ड्रग और सूटेबल फॉर हॉलिंग वेट कैरी रॉक्स के लिए किया जाता है। बॉटम डंप ट्रक की बात करें तो डंपिंग बाय द ओपनिंग द बॉटम ऑफ द ट्रक सूटेबल फॉर फ्री लो फ्लोइंग मटेरियल सच एज सैंड ग्रेवल ड्राई अर्थ हार्ड क्ले के लिए होता है। साइड डंप में यहाँ पे देख सकते हैं कि साइड की तरफ ये डंप होता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से डंप होता है। साइड डंप इस तरीके से ये देख सकते हैं बॉटम डंप ट्रक हो रहा है। ठीक है, डंपर्स की बात करें तो हाई स्पीड न्यूमेटिक व्हील ट्रक्स विथ शॉर्ट चेसिस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी सूटेबल फॉर शॉर्ट हॉल्स ऑन रफ रोड्स एंड स्पेशली वेयर अ सटल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड। फिर इक्विपमेंट फॉर मटेरियल्स हैंडलिंग एंड इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ हैंडलिंग डिवाइस आर होस्टिंग इक्विपमेंट, जैसे कि ब्लॉक एंड टैकल के लिए ये किया जाता है। ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट वन है, यूज ओनली मैकेनिकल पावर के लिए, एक्सपेंसिव डिवाइस है और बट वेस्ट ऑफ मैन पावर वेस्ट ना हो उसके लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लॉक एंड टैकल यूज़ किया जा रहा है। टाइप्स ऑफ हैंडलिंग डिवाइस तो वर्टिकल मोशन डिवाइस में विंच चल जाता है। बाई वाइंडिंग रूप और केबल ऑन द ड्रम वर्टिकल मूवमेंट इज ऑप्टेन ग्रेटर मैकेनिकल एडवांटेज दैन ब्लॉक एंड टैकल। ब्लॉक और टैकल के कंपेरिजन में ग्रेटर मैकेनिकल एडवांटेज होता है। यूज टू लोड हैवी इक्विपमेंट इन टू सीप एक्सेट्रा। विंच में आप इस तरह से देख सकते हैं, विंच इस तरह का है। टाइप्स ऑफ हैंडलिंग डिवाइस में होस्ट आ जाता है जिसको वर्टिकल मोशन डिवाइस